बेजुबान जानवरों के प्रति प्रेम के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति और खासकर एक महिला अगर इस काम को बीते 10 सालों से बिना किसी की सहायता के कर रही हो तो आप क्या कहेंगे? आज जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो सचमुच हैरान कर देने वाली है। भिंड निवासी डॉक्टर नेहा जोशी आवारा कुत्तों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। डॉक्टर नेहा जोशी मूलतः भिंड की रहने वाली है, यहीं पर उनका जन्म हुआ है। पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर नेहा जोशी को सड़क पर घूमते भूखे प्यासे और बीमार जानवर देखकर रहा नहीं जाता। यह काम उन्होंने 10 साल पहले शुरू किया था और लगातार जारी है। छात्र जीवन में हुई एक घटना ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया, जिसमें उनके कॉलेज कैंपस में किसी वाहन ने एक गधे को कुचल दिया था और वो उसके पास बहुत देर तक बैठी रही थी। इसके बाद से ही उन्होंने बेजुबानों की मदद करने की अपने मन में ठान ली थी और 2012 से बेजुबानों की सेवा करने का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर नेहा जोशी का कहना है कि जब से वो आत्मनिर्भर हुई है तब से अपनी कमाई का 15% हिस्सा बेजुबानों की सेवा में खर्च करती है। पता नहीं, मैं बचपन से ही काम कर रही हूँ। मुझे जानवर अच्छे लगते हैं, इनकी भाषा मुझे समझ में आती है, क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली ये प्रेम के भूखे होते हैं, इनको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है और इंसानों के साथ में स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है। बचपन से ही कर रही हूँ हाँ, लेकिन ये है कि कुछ सालों से थोड़ा ज़्यादा करने लगी हूँ। पिछले 7-8 साल से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद से काफ़ी सारा अपना खर्चा है वो इनके ऊपर होता है। आप इंस्पायर कैसे हुई या आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आप इसे पूछ रुकी हैं? इंस्पायर्ड होने का कुछ नहीं है ऐसा स्पेसिफिकली। देखिए, मेरा बहुत स्पेसिफिक मानना है कि इस पूरी कायनात में भगवान ने बहुत सारे जीव जंतु बनाए हैं। एक अकेला इंसान ही ऐसा है ना जिसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का ठेका उसने ले रखा है, कि बस वही स्वामी बन गया, उसी को सब करना है। जानवरों का या हर जीव का इस संसार में उतना ही हिस्सा है, भगवान ने सबको बना के एक बराबर बनाया है, सबके अपने हक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी से प्रेरणा मिली है। मेरा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही मेरा विश्वास है, यही आइडियोलॉजी है कि इस संसार के हर जीव का एक हिस्सा है और इंसान को बहुत ज़्यादा दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जितना कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आज आप किसी को चोट पहुँचाओगे, किसी ने इस व्यक्ति बच्चे को मारा है, ठीक है, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी लौट फेर के उसका कार्मिक अकाउंट उसके ऊपर आएगा ना, कभी ना कभी तो आएगा। आज आप किसी को प्यार करोगे तो लौट के आपके पास आएगा। सिंपल सी आइडियोलॉजी है, कार्मिक सिद्धांत है। जितना ज़्यादा हो सके अच्छे कर्म करने की कोशिश करिए और जानवरों के साथ खास तौर पर करिए, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये भेड़ियों के वंशज हैं, जंगलों में रहा करते थे। हम इंसानों ने पीढ़ियों से इनको डोमेस्टिकेटेड किया कि हमारे साथ घर पे रहें, हम इनके खाने पीने का ध्यान रखें। आज हमें इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटीज़ कैमरे हैं, शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इनको मारते हैं ना। मैम, आप PCC डॉक्टर हैं, तो आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? हो जाता है। इंसान को अगर कोई काम करना है तो वो अपने आप हो जाता है, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। शहर के आवारा जानवर भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और देखते ही उनसे लिपट जाते हैं। उनकी सुबह बेजुबानों की सेवा से ही शुरू होती है। 8 बजे चिन्हित स्थानों पर उन्हें खाना खिलाना और जो घायल होते हैं उनका इलाज कराना शामिल है। भिंड से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।